गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स सही दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि जिन बच्चों के आप 20 और 21 तारीख से MDU BEd के जो एग्ज़ाम देंगे, फर्स्ट ईयर के या फिर सेकेंड ईयर के, तो उनके लिए मैं बात करूँगा कि राइटिंग का जो मैटर है, राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी अच्छी परसेंटेज में, और किस हिसाब से आपको अपनी राइटिंग को मैनेज करना चाहिए एग्ज़ाम के अंदर, ताकि आप लोगों की रीअपीयरमेंट ना आए और एक अच्छा नंबर आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है और लास्ट मोमेंट पर पढ़ने का भी वक्त नहीं है, तो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बहुत रिजनेबल प्राइस पर अवेलेबल हैं। तो जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाइकर टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। तो गाइस देखिए, राइटिंग बीएड के एग्ज़ाम के अंदर जब 16 नंबर का आप क्वेश्चन लिखते हो तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है, देखिए बहुत सारे बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाती और स्पीड भी नहीं अच्छी हो पाती, पर बीएड में एग्ज़ाम देने से पहले आप लोगों को अपनी जो हैंड राइटिंग है और जो स्पीड है, देखिए हैंड राइटिंग तो बहुत सारे बच्चे अपनी चेंज नहीं कर सकते, पर जो अपनी स्पीड है उसको थोड़ा सा स्पीड को आपको बढ़ाना है। पर अगर जिन बच्चों की राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं तो उनकी राइटिंग और भी ज़्यादा पुअर हो जाती है। तो इसीलिए जिन बच्चों की राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है या जिनको लिखने की बहुत टाइम से आदत नहीं है, वो बच्चा अपने एग्ज़ाम देगा तो आपको कुछ टाइम धीरे धीरे क्या है, पहला और सेकंड क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। पहले और सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे इसलिए लिखना है क्योंकि जब एग्जामिनर जो चेकर है आपके एग्ज़ाम को चेक करेगा तो कम से कम उसको 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है एक अच्छी सुंदर लैंग्वेज में नज़र आने चाहिए। उससे क्या है, एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है चेकर के माइंड पर पड़ता है। बाकी उसके बाद, क्योंकि जब आप बहुत आराम आराम से हर एग्ज़ाम को करोगे, पेपर दोगे, तो डेफिनेटली आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एग्ज़ाम में 3 घंटे का ही टाइम होता है, और 3 घंटे से ज़्यादा अगर आपने टाइम लगा दिया तो आपका एग्ज़ाम ही नहीं हो पाएगा, 3 घंटे से ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने हैं, चाहे उसके लिए आप 1.5 घंटा भी ले सकते हो। अगर 3 क्वेश्चन की मैं मोटी मोटी बात करूँ तो आधे आधे घंटे में आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जिन बच्चों की राइटिंग थोड़ी वैसी है और वो स्लो लिखेंगे राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए, तो उनको थोड़ा 40 से 45 मिनट का टाइम भी लग सकता है। बचे फिर आपके 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को भी आपको मैनेजमेंट तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से आपको करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम में बैठोगे और एग्ज़ाम में बैठने के बाद जब आप 3 क्वेश्चन लिख दोगे तो उसके बाद आपको थोड़ी सी स्पीड को इम्प्रूव करना है, क्योंकि बहुत टाइम से जिन बच्चों ने कहीं से नहीं लिखा, अगर वो पहली बार 4 साल बाद 5 साल बाद अपना एग्ज़ाम देने बैठता है तो यकीन मानिए उंगली में भी बहुत दर्द होता है और एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से लिखा भी नहीं जाता। जब 2-3 क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से आराम आराम से लिखते हो तो आने वाले टाइम में आपकी स्पीड बढ़ जाती है, और जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपको फिर थोड़ा स्पीड से करने हैं। तो गाइस ये इसका बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपने राइटिंग अच्छी नहीं लिखी और अपना एक सिस्टमेटिक ढंग से एग्ज़ाम नहीं लिखा तो फिर आप लोगों की परसेंटेज पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा और उससे कहीं ना कहीं क्या है आपके माइंड में दिक्कत होगी। तो इसीलिए 2 से 3 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज करेंगे और उसके बाद क्या है, जो टाइम आपको बचेगा उसमें क्या आपको धीरे धीरे एग्ज़ाम को लिखना है। अब जो बच्चे नए हैं, जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं या फिर पहली बार एग्ज़ाम देंगे, तो MDU के अंदर आपको मैक्सिमम अपने सवाल लिखने हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर्स भी अगर आपको नहीं आता प्रॉपर तरीके से, फिर भी एक ऑथेंटिकेट भाषा में आप उस पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि कुछ पॉइंट्स आप अपनी तरफ से बना लो, कुछ पॉइंट्स को और ऑथेंटिकेट तरीके से एलैबोरेट कर दो, तो इन सब का मिक्सअप ही आपके एग्ज़ाम के अंदर चलता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरे मुझे 2 या क्वेश्चन आते हैं, मुझे 3 क्वेश्चन आते हैं, क्या मैं पास हो जाऊँगा? पास होने का गाइस नहीं पता कि कौन यूनिवर्सिटी आपको कैसे पास करेगी, पर अपनी तरफ से आप कोशिश करो कि भाई आपने 5 के 5 जो क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से लिखा है और उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से आपने मेंशन किया है। तो अगर इस तरीके से आप इन चीज़ों को मेंशन करोगे और बहुत पॉइंट बना के और एक ग्राफ बना के और अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में अपने एग्ज़ाम को लिखोगे, तो यकीन आपके नंबर अच्छे आएंगे और आपके परसेंटेज पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और भी है, जो बच्चे देखिए
टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। देखिए गाइस, अपनी घड़ी अपने सामने रखें, और मैंने बताया कि जिसकी राइटिंग सही है वो 20 से 25 मिनट में एक क्वेश्चन को लिख सकता है। अगर किसकी राइटिंग स्लो है या वो नहीं पता, तो मैक्सिमम आधा घंटा है, 40 मिनट्स आपको क्वेश्चन को देना है। बहुत सारे बच्चे एक एक घंटा एक क्वेश्चन में अटक जाते हैं जो स्टार्टिंग में अपना एग्ज़ाम देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, मैनेजमेंट की सिस्टम से ही अपना एग्ज़ाम देना है ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो सके। नहीं तो अगर टाइम आपका ज़्यादा लग गया तो गाइज दो या तीन क्वेश्चन पर अटक जाओगे, वो बहुत दिक्कत आएगा। तो गाइज इसीलिए आप धीरे धीरे, दो चार पाँच दिन हैं आपके पास लिखने की, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। और राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी परसेंटेज में, और आप धीरे धीरे 5-7-2 पेज डेली लिखो, 4-5 दिन आपके एग्ज़ाम में रहते हैं और अच्छे नंबर आप लोगों के आए। तो बस गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों के लिए इतना था कि राइटिंग कितना रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है, और कैसे कैसे आपको राइटिंग इंप्रूव करनी है, और किस भाषा में आपको अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको सही लग रही होंगी, और फिर भी अगर कोई आपका डाउट है, प्रॉब्लम, तो आप मुझसे पूछ सके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, इसके लिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें। थैंक यू सो मच। और सभी बच्चों को लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर का है चाहे सेकंड ईयर का है, अमित सर की तरफ से ऑल द बेस्ट, और आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए, और अच्छे तरीके से अपना अटैम्प्ट जो एग्ज़ाम है उसको अटैम्प्ट आपको करना है। थैंक यू सो मच।